सीधा शादी मुबारक की बात करें तो आप सभी को बताते चले कि यहाँ पर नंदनी की जो सच्चाई है वो केटी के सामने आ चुकी है। जी हाँ, केटी के सामने नंदनी की सच्चाई ऐसे आती है कि जब नंदनी बंद कर देती है प्रीति को एक कमरे में और खुद चेहरे पर मास्क लगा कर नीचे आ जाती है और डांस करने लगती है केटी के साथ, तो आपको बताते चले कि यहाँ पर प्रीति अपने रूम का शीशा तोड़ती है और फिर लोगों को लाइट ऑन ऑफ कर कर ये बताती है कि ऊपर मैं हूँ। आपको बताते चले कि यहाँ पर केटी जो है वो प्रीति को देख लेता है और फिर वो दौड़ते हुए ऊपर जाता है और दरवाज़ा खोलता है, जहाँ प्रीति बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो केटी के बाहों में आ जाती है और उससे लिपट जाती है। ऐसे में केटी भी प्रीति जी को बोलता है कि क्या हुआ प्रीति जी, आप इतना क्यों डर गई हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर वो पूछता है कि आपको किसने बंद किया बाहर से। यहाँ पर प्रीति जैसे ही बोलने वाली थी कि नंदनी ने बंद किया है, वैसे ही आपको बताते चले कि कुछ ऐसा होगा कि प्रीति बोल नहीं पाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प है कि केटी को मालूम है कि नंदनी कैसी है। नंदनी हमेशा धोखेबाजी करती है, गलत काम करती है। अब क्या करता है केटी नंदनी के साथ, क्योंकि नंदनी की असलियत तो केटी के सामने आ चुकी है, क्योंकि नंदनी ही ऐसा की है, वही मास्क लगाकर केटी के साथ डांस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं नंदनी ही है वो असली गुनहगार। तो अब केटी क्या करेगा नंदनी के साथ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब फ्रेंडली न्यूज़।